तो जय सियाराम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगी। और इसके अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उस पार्ट का लिंक आपको वो पार्ट आपको वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो जरूर देखना उस पार्ट को भी आउटलाइन वाला। तो यहाँ पर मैं जो है रेफरेंस फोटो में ऐसा नहीं है जो फ्लैग वाला बैकग्राउंड में, तो हम एक्स्ट्रा मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और काफ़ी ये रेफरेंस फोटो इतना जो है कठिन नहीं है, बिगिनर्स काफ़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल को फॉलो करें। और स्पेशली मैंने बहुत सिंपल तरीके से इस आर्ट को ड्रॉ करने की कोशिश की है बिगिनर्स के लिए, ताकि बिगिनर्स भी ड्रॉ कर सकें कलर पेंसिल से। तो इस बार पहले की तरह इतना मैं जो है टाइम नहीं दूंगा, बिल्कुल शॉर्टकट, ज़्यादा टाइम ना देकर जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करूँगा। जैसे ये जो रेफरेंस फोटो मैंने सिलेक्ट किया है, ये ऑलरेडी जो है किसी के जरिए बनाया हुआ है, ये ओरिजिनल रेफरेंस फोटो नहीं है। ओरिजिनल भी किसी ने या फिर ऑयल पे है, सॉरी डिजिटली जो है ड्रॉ किया है शायद वो का, मुझे तो इतना डिटेल्स पता नहीं, समझ में नहीं आया मैंने क्योंकि आगे पीछे कभी ड्रिलिंग ये डिजिटल आर्ट वर्क नहीं किया है, ड्रॉ नहीं किया है। तो हमने बैकग्राउंड में जिस तरह से मैंने अप्लाई किया है ब्राउन कलर, सॉरी ऑरेंज कलर, बीच में जो है ऑयल पेस्टल कलर से वाइट करने की कोशिश की, उसके बाद नीचे ग्रीन कलर और फेस के ऊपर मैं ऑयल अप्लाई कर रहा हूँ, ऑयल पेस्टल जैस्मिन ऑयल। और जैस्मिन ऑयल अप्लाई करने के बाद मैं जो है स्किन के ऊपर ब्राउन कलर अप्लाई कर रहा हूँ, लाइट ब्राउन कलर डोम्स कलर का। और यहाँ पे जो किसी का सवाल हो सकता है कि पेवर कास्टल डोम्स कलर से ज़्यादा अच्छा है, हाँ होगा ज़रूर, पर इसका जो प्राइस और डोम्स कलर का प्राइस डिफरेंस ये भी तो देखना होगा। किसी ने सवाल किया था कि डोम्स कलर पेंसिल से पेवर कास्टल अच्छा है, तो उसमें इसका प्राइस भी डबल है। हम 12 सेट अगर ख़रीदें, मैंने 12 पीस एक पेंसिल का, अगर 12 पेंसिल वाला जो पैकेट मिलता है वो ख़रीदे तो वो मिलता है अभी जो है कितना होगा, पहले तो मैंने ख़रीदा था 100 रुपीज़, अब शायद 25 होगा, 125, उसमें 12 जो है 12 ही पेंसिल मिलता है। पर यहाँ पर डोम्स कलर में उसी उतनी ही प्राइस में जो है आपको 24 पेंसिल्स मिल जाएगी। तो अगर आप 24 सेट फेवर का सिल्क का ख़रीदना चाहते हैं तो उसका डबल होगा, लगभग 250 रुपये 250-300 रुपये होगा। तो इसके हिसाब से प्राइस के हिसाब से तो अच्छा होना ही चाहिए, फिर भी जो है डोम्स कलर पेंसिल अपने जितना इसका प्राइस है उससे ज़्यादा ही अच्छा है। पर जो फेवर कास्टल है जितना उसका प्राइस है उतना ही काम कर रहा है, पर डोम्स कलर पेंसिल उससे अपने प्राइस से हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही काम अच्छा रिजल्ट देता है। तो हमारे बैकग्राउंड में जो है थोड़ा सा नॉइस आएगी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, हम तो कहीं जो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ जो है हाईलाइट करने के लिए ऑयल पेस्टल कलर का वाइट कलर अप्लाई कर रहा हूँ, हाईलाइट हो जाए ताकि आसानी से। और जहाँ जब मुझे हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ वहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगा और बाकी जगह पे नहीं करूँगा। और रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से आप ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा अलग ही दिखेगा, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल इतना जो है डिटेलिंग नहीं किया है, जो स्किन टेक्सचर में थोड़ा अलग अलग दिखेगा, ऑयल वाटर कलर से शायद ड्रॉ किया होगा उस रेफरेंस फ़ोटो को। तो आप चाहे तो मैंने जिस तरह से किया है बिना एक एक डिटेलिंग किए स्किन के ऊपर, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की। और इस आर्ट में ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लगाया है, लगभग जो है डेढ़ घंटे में मैंने कंप्लीट किया है शायद, मैंने काउंट नहीं किया है टाइम। तो आप चाहो तो और कौन कौन इस रेफरेंस फोटो को ड्रॉ कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अपना आर्ट वर्क कम्प्लीट होने के बाद मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हो। मैं अगर बहुत सारे लोगों का आर्ट वर्क आए तो मैं जो है उसका जो है वीडियो में रिव्यू करूँगा, और कहाँ पे क्या आपके मिस्टेक है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना होगा, जितना मैंने सिखाया जाना है समझा है उस हिसाब से मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूर अपना आर्ट वर्क जो है भेजना, ये है भगत सिंह जी का। और नेक्स्ट इसके बाद मैं और इंडिपेंडेंस डे के ऊपर और नेक्स्ट भी आर्ट वर्क ग्रुप बनाऊँगा आप लोगों के लिए, तो नेक्स्ट क्या बनाऊँ वो भी आप बता सकते हो कमेंट में अपने हिसाब से, कोई टॉपिक इंडिपेंडेंस डे के ऊपर तो बनाओ, ऊपर कोई रेफरेंस फ़ोटो, कोई रेफरेंस फ़ोटो ड्रॉ करूँ या कोई क्रिएटिव जैसा। और क्रिएटिव जैसा मैंने पहले ट्राई किया था सुभाष चंद्र बोस जी का आर्ट वर्क, जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, हमारे चैनल में विजिट करेंगे सुभाष चंद्र बोस बाय सियाराम के आर्ट,
ड्राइंग इस तरह से सर्च करेंगे तो वो वीडियो भी आपको शायद मिल सकता है, तो उसको ज़रूर देखना और आइडिया कुछ ले सकते हो, और लेने के बाद आप भी ट्राई कर सकते हो। मैंने उसे स्ट्रिंग सुई और सूता और स्ट्रिंग से मैंने कील जो होता है लोहे का, उससे मैंने जो है बनाया था। तो कैसे बना था, काफ़ी सिंपल, देखने में टफ लगता है पर इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डार्क करने के लिए जो है ज़्यादा भाई मैं डार्क दिख रहा है तो वहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, और थोड़ा सा पार्ट जो है आप लोगों के लिए स्किप हो गया है जो वो मैंने दिखाने पाया, जैसे कि आइज़ के ऊपर सेटिंग, आइज़ आईब्रो के ऊपर नोज के ऊपर वो मैंने दिखाने पाया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो इसके बाद नेक्स्ट लेयर भी अप्लाई करूँगा। नेक्स्ट लेयर क्या होगा, नेक्स्ट लेयर होगा 10वीं पेंसिल। तो 10वीं पेंसिल से हमें जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क दिखे तो वहाँ पर वहीं पे ही मैं अप्लाई करूँगा 10वीं पेंसिल से। इससे पहले हम इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, और ब्लेंड करने के लिए सबसे पहले आपको पहले फिंगर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना है। फिंगर के ऊपर जिस ब्रश से आपने ऑयल अप्लाई किया था उसी ब्रश के ऊपर फिंगर घिस लो थोड़ा सा, तो उसके बाद आपके फिंगर के ऊपर ही थोड़ा सा जो ऑयल चिपक जाएगा, तो उसी ऑयल के बाद अप्लाई साथ ही आपको स्किन के ऊपर ब्लेंड करना है, तो स्किन टेक्चर जो है काफ़ी स्मूथ ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे मुझे ज़्यादा ज़्यादा डार्क दिख रहा है, ब्लैक जैसा दिख रहा है, तो उसी जगह पर मैं डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद तो आप और ज़्यादा टाइम देकर और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हो। और इसका जो पार्ट वन था, मतलब जो मैंने आउटलाइन ड्रॉ किया था वो वाला वीडियो, मुझे पता नहीं कि कितने लोगों ने अभी तक देखा है, मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। मुझे तो नहीं लगता कि इस आर्टो को ज़्यादातर लोग जो है देखेंगे, फॉलो करेंगे इस आर्टो का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। वैसे भी मेरे जो बाकी आर्टो में ट्यूटोरियल आता हूँ वो भी ज़्यादातर लोग तो देखते नहीं हैं जितने सब्सक्राइबर के हिसाब से, पर इसमें तो और भी जो है कोई होप नहीं दिख रहा है मुझे। पर भगत सिंह जी के ऊपर छोड़ देते हैं हमारे शहीद, इनके बारे में तो शायद ही किसी को कोई होगा जिनको नहीं पता है। तो वैसे रेफरेंस फ़ोटो ऐसा नहीं है, रेफरेंस फ़ोटो तो टोपी के ऊपर, सिर के ऊपर टोपी रहता है, पर यहाँ पे जो है जो क्या कहते हैं इसे पगड़ी, तो वो भी है और वो भी बनाऊँगा नेक्स्ट। मैं सोच रहा हूँ कुछ सुभाष चंद्र बोस और नेताजी इनका थोड़ा क्रिएटिव ड्रॉ करूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट जय सियाराम आप सभी को।